मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। यहां बड़े नेताओं की रैली लगातार हो रही है और इस क्रम में सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली गुरुवार को हुई। इस रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, ये आपके वोट ने ऐसा कमाल कर दिया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। आप यही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका यही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को मध्य प्रदेश से 100 कोस दूर ले जाएगा। कांग्रेस पर वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस के झूठ का गुबार फूट गया है। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप ही नहीं है। प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस में कोई भविष्य नजर नहीं आता। पंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश। जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं, जहां कहा गया है राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई है ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल उदयपुर का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है और आज शाम ही विशेष विमान से लेक सिटी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई कृषि मंडी में पीएम की जनसभा का आयोजन होगा। शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई पड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद सभा स्थल पर तैयारियों का विशेष अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव से पहले उदयपुर में पीएम की एक बड़ी जनसभा होगी। 8 विधानसभा को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा क्योंकि मेवाड़ वांगड़ में पार्टी की मजबूती के लिए वोट बैंक को मजबूत भी करेंगे। मेवाड़ वांगड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले आते हैं और इन 6 जिलों में 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। आदिवासी वोट बैंक को भी साधने का ये प्रयास किया जाएगा, इसीलिए उदयपुर ज्यादा खास नजर आ रहा है। आदिवासी अंचल की 28 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। यहां संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए अपनी गतिविधियां करता है और प्रधानमंत्री इससे पहले भी मानगढ़ धाम आ चुके हैं। उनकी नजर आदिवासी वोट बैंक पर सीधे होगी। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों को सीधे आज साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
चुनावी सभा को एकदम अंतिम रूप दिया जा चुका है। ग्राफिक्स के जरिए और विजुअल के जरिए समझिए, तस्वीरों के जरिए। एक पहली तस्वीर सभा स्थल की हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि मेवाड़ के जातीय समीकरण क्या हैं। भीलवाड़ा में जैसे गुर्जर, कुंभलगढ़ में माहेश्वरी समाज का वर्चस्व कायम है, उदयपुर सिटी में नाथद्वारा ब्राह्मण और जैन मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा प्रबल है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। रामनगरी में कैबिनेट की यह पहली बैठक है और सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। फिर उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद योगी कैबिनेट ने श्री राम जन्मभूमि परिसर और रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। उन्होंने मंत्रियों के साथ राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल का भी दौरा किया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में ये बैठक शुरू हुई थी। इसमें सीएम योगी के साथ उनके तमाम मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग में कई बड़ी घोषणाएं की गईं। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक की खूब चर्चा हो रही है। तो अयोध्या में कैबिनेट की ये पहली बैठक हुई। पहले तो अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, क्योंकि अयोध्या में पहली बैठक योगी की हो रही है, योगी कैबिनेट की। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किए, तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी आपको दिख रहा है, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। तो और साथ ही आपको ये बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए जो अयोध्या और उत्तर प्रदेश के मद्देनजर खासा महत्वपूर्ण है। और अब बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन माफी मांगने के बाद भी विधानसभा में जोरदार हंगामा जारी है। बीजेपी विधायकों ने आज विधानसभा की कार्यवाही तक नहीं शुरू होने दी। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जमकर हंगामा किया गया और सीएम से इस्तीफे की मांग की गई। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है वह असहनीय है और ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी भी सदन में यह पहली बार इस प्रकार का वक्तव्य आया है और पूरा राज्य ही नहीं पूरा देश शर्मसार है। एक ओर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए गए बयान के बाद सियासत में उबाल आया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उनके मंत्री अशोक चौधरी हाथों में बायोलॉजी की किताब लेकर जस्टिफिकेशन में लगे हुए हैं। मंत्री अशोक चौधरी बायोलॉजी की किताब लेकर विधान परिषद पहुंचे, किताब दिखाकर बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम ने जो कहा है वह सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में पूरी जानकारी दी गई है। हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए हम सभापति महोदय इन दोनों का हम जो आपका फोटो सेट कॉपी है इसको पटल पर रखने का काम कर रहे हैं। और वही बात उत्तराखंड की, क्योंकि आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड का ये 23वां स्थापना दिवस है। आज हर जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रैतिक परेड की सलामी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भरी
तो राज्य स्थापना दिवस की ये 23वीं वर्षगांठ थी और आज यहाँ पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित हुई, साथ ही पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे मौजूद रहे, उत्तराखंड के राज्यपाल भी मौजूद रहे। राज्य स्थापना दिवस पर भव्य तरीके से उत्तराखंड को सजाया गया और भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहाँ सलामी देहरादून में पुलिस लाइन में यह भव्य कार्यक्रम हुआ, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी भी दी गई। पुलिस संजीव कुमार अगुवाई अपने मजबूत इरादे अडिग हौसलों से भरी और वही बात कश्मीर के शोपिया की, क्योंकि कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया हमारे जवानों ने। यह मुठभेड़ शोपिया जिले के कथोहलान इलाके में रात के समय हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने आतंकवादी की पहचान मैसर अहमद डार के रूप में की है, जो हाल ही में लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ में शामिल हुआ था। वह स्थानीय था, शोपिया के वैश्रो का रहने वाला था और मुठभेड़ में मारा गया। वह एक सप्ताह पहले ही आतंकी समूह में शामिल हुआ था। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस 2 राजपुर और 44 आरआर को एक मुसद्दिक का इतला मिली थी कि काठाहालन नामी गांव में मिलिटेंट छुपे हुए, तो रात के अंधेरे में इस गांव को मुहासरे में लिया गया है और जब घर-घर तलाशी शुरू की तो यहां पे जो है मिलिटेंट ने भाग निकलने की कोशिश की और उसके बाद वो इस दुकान में थे और मुख्तसर एनकाउंटर में जो है उसको मार गिराया गया है और उसकी तस्दीक जो है पुलिस ने ट्वीट के जरिए रात के 3:30 बजे फराहम की है। और इस मुख्तसर एनकाउंटर में जो बताया जा रहा है, जो पुलिस के मुताबिक जो है टीआरएफ का जो मिलिटेंट है उसको मार गिराया गया है और सुबह 5:30 के करीब इस एनकाउंटर को ख़त्म कर दिया गया है और यहां पे जो है इस वक्त मौजूद है खाली मकामी लोग यहां पे मौजूद है और ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। तो कथोलान इलाके में मुठभेड़ हुई, फिलहाल आतंकी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन तलाशी अभियान लगातार जारी है। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से ये जो ट्वीट आया था वो भी आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। तो कश्मीर के शोपिया में लगातार आप इस तरह तस्वीर देखते हो, लेकिन मुठभेड़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल बड़ी खबर इसमें यही है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जो स्थानीय बताया जा रहा था और जो अभी आतंकी संगठन में शामिल भी हुआ था, लेकिन उस आतंकी को ढेर करने के बाद भी हमारे जवान पीछे नहीं हटे, अभी भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि 8 नवंबर की रात सीमा पार से हुई फायरिंग का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब तो दिया था, लेकिन बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। सीमा पार से हुई सरहद के उस पार से बीती रात भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर और जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाते हुए अकारण फायरिंग की थी, जिसका बीएसएफ जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा की गई फायरिंग में रामगढ़ सब सेक्टर में एक बीएसएफ जवान घायल हो गया। उसे पहले इलाज के लिए रामगढ़ हॉस्पिटल से लाया गया, प्राथमिक इलाज के बाद घायल जवान को जम्मू रेफर कर दिया गया। और इस बीच में जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य बनाने के मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केसरी सिंह से जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता सुभाष सिहा की याचिका पर आदेश दिए गए हैं। याचिका में केसरी सिंह पर वर्ग विशेष के प्रति वैमनस्यता रखने के आरोप लगाए गए थे। कई बार विवादास्पद मामलों में केसरी सिंह पर बयानबाजी करने के आरोप है। ऐसे में केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य बनाने को गलत ठहराया गया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। कर्नल केसरी सिंह का जो नियुक्ति दी गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एज अ मेंबर, तो उसको हमने चुनौती दी है क्योंकि उनके पुराने काफ़ी विवादित बयान हैं आरक्षित वर्ग को लेके, आरक्षित समाज को लेके और पर्टिकुलर कुछ जाति विशेष को लेके, तो उन आधारों पे चुनौती दी गई। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव मामले में एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि नोएडा पुलिस के दोबारा बुलाने पर एल्विश नहीं पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश का फोन स्विच ऑफ है।
आज सीजीएम कोर्ट में पांचों आरोपी पेश होंगे। नोएडा पुलिस आज पांच आरोपी की रिमांड मांगेगी। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अल्पेश यादव की तबियत बिगड़ी है, डेंगू और मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं। तो बता दें कि दोबारा पूछताछ के लिए अल्पेश यादव फिर नहीं मौजूद है। हालांकि 9 लोगों के ऊपर सेक्टर 49 सेक्टर नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई थी। 9 में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज सीजीएम में उनकी पेशी होगी, जहां नोएडा पुलिस इनके रिमांड की इजाजत मांगेगी। देखना होगा कि रिमांड की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि रेव पार्टी के एवज में अल्पेश यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। और साथ ही सांसद मेनका गांधी ने का भी इस पे स्टेटमेंट आया था कि अल्पेश यादव जिस तरह वीडियो और फोटोज पोस्ट करते हैं, और खासकर जिस तरह जहरीले सांपों को, चाहे कोबरा हुआ, इस तरह जहरीले सांपों के साथ जिस तरह खेलते हुए और रेव पार्टी करते हुए नजर आते हैं, पहले से ही उसके ऊपर नजर थी और इसलिए उनको अब पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिलहाल वो अभी मौजूद नहीं है। और वहीं बड़ी खबर